आदर नमस्कार साथियों, बड़ा ही भाग्य और सौभाग्य होता है कि एक चिकित्सक रूप में हम लोगों की सेवा करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजे जाते हैं। चिकित्सक का अपना धर्म होता है। अगर हम अपने धर्म का सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं तभी हम वास्तविक रूप से चिकित्सक कहलाने के अधिकारी होते हैं। मैं डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी आज आपको अपनी रचना के माध्यम से चिकित्सा के उन चार धर्मों को कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा और उसको जीवन में उतारिएगा। तो आइए मैं प्रस्तुत करता हूं चिकित्सा धर्म नामक रचना आपके लिए। अब आओ मेरे प्यारे, उस धर्म को निभाएं। अब आओ मेरे प्यारे, उस धर्म को निभाएं। अब आओ मेरे प्यारे, उस धर्म को निभाएं। जिस धर्म के लिए हम इस धरा पे आए। अब आओ मेरे प्यारे। पहला धर्म साथियों, पहला धर्म ये होता है कि हम अपने आप को मरीज की जगह, पेशेंट की जगह रखें। जब तक मेरे अंदर वो भाव पैदा नहीं होता कि यार अगर ये परेशानी मुझे होती तो मेरे ऊपर क्या गुजरती। जैसे ये भाव आएगा वो पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी और आपको अपनी सफलता जल्दी ही दिखने लगेगी। देखिए, पहला धर्म है खुद को उसके जगह पे रखना, और पूछना है खुद से गर खुद को ऐसा होता। क्या चाहता मैं उससे जो भाव खुद में आए। क्या चाहता मैं उससे जो भाव खुद में आए। उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाए। अब आओ मेरे प्यारे, उस धर्म को निभाए। अब देखिए दूजा धर्म। दूजा धर्म है कि एक चिकित्सक को बहुत ही तेज, कुशाग्र और अपने विषयों पे पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। कौन सा मर्ज है, इसकी क्या डायग्नोसिस है, क्या प्रोग्नोसिस है, उसे तुरंत पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तभी उसका वास्तविक धर्म माना जाएगा। दूजा धर्म है उसके मर्ज को मैं जानू। है क्या भविष्य इसका अच्छी तरह से जानू। इस धर्म में निपुण जब हम खुद को कर लिए तो। इस धर्म में निपुण जब हम खुद को कर लिए तो दूजे धर्म की चिंता नहीं लेस मात्र आए। अब आओ मेरे प्यारे, उस धर्म को निभाए। तीजा धर्म, जिसके अंदर दया की भावना हो, ज्ञान न हो, धर्म न हो, वो निश्चित रूप से चिकित्सक के रूप में भी यानी मानव के रूप में भी वो एक पशु से कम नहीं है। तीजा धर्म है सो नबी ध्यान ज्ञानम, न तपो न दानम, न सीलम न धर्मः। ते मृत्युलोके
भुवि भार भूता ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे मृगा बनाए मनुष्य रूपे मृगा बनाए। अब आओ मेरे प्यारे उस धर्म को निभाए। चौथा ध्यान बहुत ही अद्भुत लाइन है साथियों, इसको जरूर अमल में लाइएगा। चौथे धर्म को समझो कितने तू भाग्यशाली, ईश्वर के दूजे रूप कहते हैं दुनिया वाले। गलती से भी न गलती का भाव मन में रखना, गलती से भी न गलती का भाव मन में रखना। कल्याण जी की विनती चौथे धर्म निभाए। अब आओ मेरे प्यारे उस धर्म को निभाए, जिस धर्म के लिए हम इस धरा पे आए, इस धरा पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप मेरी इस रचना का अपने जीवन में जरूर जरूर आप पालन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।